कवियों की कल्पना है। ठाकर गोमन सिंह कारुगा छरन है, लोक रहे जल्दी जा बेटा जोशी के दरबार, जोशी बुलाओ रंगी नावले। कारुगा छोरा एक जानता गया तो भाइयो भाई, दो जानता गया है यारे। जागे जोशी ने लोक रहे महाराज, ले लियो थारा वेद पुराण जुना जुगांगा ले लियो दीपड़ा। ईश्वरी ठाकर गोमन सिंह मेला से बुलाओ आए है। राज भी रामणी मण मण करे स्नान, आयो भाई नहावे नीचो वे धोड़ा धोतिया। आचित्रिया मुख बल पाग बांध गए, वेद पुराण हाथ में ले गए और अजला मजला कह चाली ठाकर गोमन सिंह मेला आ जाए। ठाकर साहब कहने लगा जोशी आगे पधारो माणक चौक, खोलो बदरगी बैठो हे महाराज, मारे लाडा कोटा कंवर जल में है। के इंगा नक्तरे के नाम है महाराज माने है जिसी बाती सजनों, पहला कह 100 साल की जंत्री होया करती। 100 साल की बात ब्राह्मण देवता पहली बता दिया करता। अब भी बता बे सजनों, वेद पुराण शास्त्र भी है लेकिन कोई विद्वान शास्त्री बता सके बाबूलाल जी वर्गा, बाबूलाल जी वर्गा तो किस बांधी जोशी दादो वेद पुराण खोल के बहुत दर्शित महाराज का नक दरबार देखे और के अपनी राम सभा सुनी दिखा दो। I'm
ठाकरा छोटा
क्रिएशन हो। जोशी दादो शिव जी महाराज का नक्तर बार देखे, अरे वेद पुराण खोल गए, टेवा से टेवा मिलावे। हाँ। कहने लगे ठाकरा अच्छा नक्तर में कंवर जलमियो है, अरे और क्या दुनिया में रोशन नाम करी। वेद पुराण पढ़ता पढ़ता वेदक मास नौसा कंडा नक्तर आजे, अरे शिव जी महाराज गए वेदांगमा ओस्तेज की बहुत छोटी लिख दे। हाँ। उम्र वाली कलम सजनो खाली भेजे, जोशी दादो लेख देख के रोवन लागी। ठाकर साहब आगे किन लिया जोशी के बजांगी बनगी बात और किया गाले हुए कचेड़िया में। जोशी कहने लगे ठाकरा कंवर की अवस्था के करीब 17-18 साल की अवस्था है। हाँ। इस बांधी काली नाटी में गोल जावेगो और काली नाटी में इन पेड़ों पिएगो और पेड़ से लिखुड़ी आएगी। हे जोशी अखालोड़ी कलम जिकी टाड़ो। हाँ। मुंह मांगे दान देऊंगा और चारण वासी तो राज दे दूंगा, डोली दे दूंगा कालर महाराज। एक कंडा नक्षत्र टाड़ो। जोशी कहने लगे नहीं ठाकरा ये तो भगवान का घर का लेख है। हाँ। बे माता का लिखुड़ा लेख है आज टड़ैन कोई। हाँ एक बात तू टल सके अगर शिव जी महाराज एवड नहीं खरीदे और काली नाटी में गोल नहीं जावे तो लेख टल सके। प्रिय सुनो होन हार आगे कोई बंदोबस्त नहीं हुए। जोशी दादो वेदांग मा नाम कंवर शिलोको रखे। बाबा भवती से तो भवतो ही निरंजन बाबा का देड़ा वचन हा, इसीलिए भवतो सिद्ध महाराज नाम रखे। शिव जी महाराज करीब के 5-6 साल की अवस्था हो जाए और किशबंदी स्कूल पढ़ने वास्ते जावे और किया कंवर साहब ने कितना ज्ञान हुए के अपनी राम सभा सुनी। बोल निरंजन बाबे की। पाल्या संग पाप नाम जाने ये बड़ के पाल्या से बता रहे ना।
के काम है तेरो
कमर साहब के मैया एवड में मेरो जी घणो लाग्यो है अरे और एवड में खरीदूंगा मुंगई बोल दो प्रिय सनो माता कहने लगी ना बेटा तेरी बात ब्राह्मणा माने पहले ही बता चुका हा लेकिन एवड नहीं ल्याण दूंगा तन कंवर साहब हटके पर जो नहीं रवे क्यों सजनो भगवान का घर का लेख अबे पूरा होना जरूरी आ किसी भांति माता समझावे बोल निरंजन बाबे की जय हो
चढ़ेंगे होस्ते है अरे कमर साल कहने लगे नहीं माता घोड़ा तू दे दे चरण भाट ने टोडिया को कर दे कमर साहब हट गयो बजो नहीं रवे बाप बेटो दोनों जागे मगर माचित्रिया एवड़ खरीदा है अरे शिवजी महाराज कान ग्वालियो बन जाए हां दोरा दोरा एवड़ तरावे बेटे निरण गेडियो अच्छी बंसी बाजे द्वार कड़ई प्रिय सनो धोरा धरती मा रेवड़ चरांदन काफी दिन बदीत मान हो जाए कमर साहब की ओर से जिकी करीब के 17-18 साल की भी हो जाए तो बीटे भगवान ये शिक्र ना आवे वो ही नरेंद्र बाबू जो ठाकर गोमन सिंह को वचन दिया था सागी नरेंद्र बाबू भगवान भेष में अरे आगे बबुद्ध सिद्ध महाराज ने हिलो करे और क्या बबुद्ध सिद्ध महाराज ने चेतन करे वो नरेंद्र बाबे की जय हो रे हबू के पाड़ा से के जोगीर चलो नरेंद्र जोगी पचालो Bye.
एक बार उन्ना भाई बबूतर सिद्ध महाराज अजला मजला चाल गए और जागे नरेंद्र बाबा के पाए लागी। नरेंद्र बाबू बबूतर सिद्ध महाराज के शीश पर हाथ रखे कहने लगा बेटा किंगो कहजे कमर लाड लो और कुंडसो कहजे तेरो बाबा जी चारणवासी के जय मेरो काम ठाकर गोमन सिंह कमरी नरंजन बाबू बहुत सिद्ध महाराज ने जोड़िया में लेके बैठ जे और किश बांधी नाडी वाली बात बतावे और क्या कंवर साहब ने बुलावनी देवे और क्या अपनी राम सभा सुनी दिखा दो लास्ट की कड़ी है। एक बाद में खड़ो मंडे को सभी बड़े प्रेम से महाराज को खड़ो देखना है। बोल नरेंद्र बाबे की आरे कमर ने जोड़िया में Oh,
Yo.